खेला है, आई एम श्योर सबने खेला होगा। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि हम टिक टैक टो खेलते हैं कुछ नए तरीके से और बुलाते हैं देविका मैम और आकाश सर को, क्योंकि आप लोग एक्साइटेड हैं। चलिए। हेलो मैम। तो मैम और सर, आज है आपके लिए एक चैलेंज। आप लोगों ने टिक टैक तो खेला है? हाँ, बहुत खेला है। किताब के पीछे स्कूल हाँ, सही में। वो जीरो और एक्स वाला ना? हाँ। यस, एक्स वाला जो होता है। लेकिन आज वो नहीं है, चैलेंज कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। ओह रियली? हाँ, एसिड्स और बेस पता है क्या होता है? कभी तो पढ़ा था बचपन में, है ना? तो बिल्कुल आज हम लोग करने वाले हैं टिक टैक टो, लेकिन एसिड्स और बेस के साथ। सो दैट्स द चैलेंज फॉर अस। यस, मैं एसिड्स लूंगा। ठीक है, ले लो, लेकिन पहले मैं लिखूं? नहीं, पहले मैं करूंगा। अरे अरे, वेट, नहीं नहीं, 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 रुको रुको रुको, नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लिप द कॉइन। चलो। लेकिन कॉइन तो है नहीं। हां मैम, आपके पास है? मेरे पास नहीं है। अरे रुको, आपके पास है? रुको रुको रुको, नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास सलूशन है। क्या सलूशन है? एक मिनट रुको। एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे चलो, क्या बात है। चलो, अब कौन लेने वाला है? सर आप क्या लेंगे? तो मैम ये वर्क कैसे करता है? मान लो मैं जीत गया तो मैं क्या चूज करूंगा? पहले लिखूंगा या पहले मैं एसिड एंड बेस चूज करूंगा? दैट यू विल डिसाइड। पहले फ्लिप करो। ओके चलो। क्या ले रहे हैं? मैं टेल्स लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है मैम, मैम तो हमेशा जीतती है। चलिए, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? फुल एक्साइटेड। चलिए तो देखते हैं आज केमिस्ट्री की क्विज में फिजिक्स और आप लिखोगे कौन जीतता है। मैं चूज करूंगा एसिड्स बेस। चलिए चलिए बच्चों, देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी से बताइएगा। NaOH। ओके, तो मैम पहला बेस लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये साथ में एज अ सॉल्वेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देखो एसिड सर ने लिख दिया है HCl, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। KOH वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वैसे ही। इसे हम ना यूज करते फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। चलो, चलो H2SO4 इसको ना मैम किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। सही में किंग ऑफ एसिड्स। हां, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी। चलिए देखते हैं मैम कहाँ लिखने वाली है। लिखना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और ये कॉम्पिटिशन मैम बहुत स्मार्ट बन रही है, देखते हैं अभी मैम। देखो यहाँ पे तो क्लोज हो रहा है मैम का। शिट, NH3 लिखा है। पर हाँ, अमोनिया के बारे में बता देते हैं बच्चों। बच्चों ये अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है और ये है एक वीक बेस। ठीक है, इसे हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हैं ना, बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर। एक और मिल गया आपको। मैम अभी आप नहीं जीतोगी। ओह शिट, लेकिन मेरा चांस है। आप नहीं खेल रहे हैं। नाइट्रिक एसिड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ठीक है। और ये कहां प्रेजेंट होता है? एफ एसिड है, ये भी एसिड है ना। देखते हैं अभी यार, कंपटीशन एकदम जबरदस्त लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है? क्या लगता है बच्चों कौन जीतेगा, बायो या फिजिक्स? यार मुझे ऐसा धक धक हो रहा है। ओह नो, लिख दो अब मैम। चलो चलो चलो, मुझे लगता है ना रिजल्ट आने वाला है या आ गया है। ओह नो बच्चों, मैम ने लिख दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसी पे हमारे साइकिल कंप्लीट हुई और मैम जीत गई। शिट, मैम लेकिन मैम इसका अच्छा। हां हां यस, ये अभी मैम अभी बताया था ना HCl स्टमक में होता है, तो जब भी एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम एंटासिड की तरह लेते हैं मैग्नीशियम।